मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि हम पिछली क्लास में दो क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें हमने एनुअली और सेमी एनुअली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है कैलकुलेट किया था। आज हम करेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब इंटरेस्ट को जो हम क्वार्टरली कंपाउंडेड करेंगे तो कैसे करेंगे उसको। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। प्रिंसिपल हमारा क्या रहेगा जो जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, रुपीज 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। 20% पर एनम को हम क्वार्टरली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका 1/4 करना है आपको। बिकॉज 1/4 करने का हमारा रीजन क्या है, जैसे हमने सेमी एनुअली में 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि एक ईयर के अंदर कितने 6 months होते हैं, 2 6 months, यानी कि 2 उसके अंदर जो है वो सेमी एनुअल बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वार्टरली हमारा कितना आ जाएगा, 5%। 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई करके 5% क्वार्टरली। टाइम है हमारा 9 months, एनुअल होता तो यही रह जाता, बट क्वार्टरली में हम क्या करेंगे, इसके क्वार्टर बनाएंगे। अब क्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि कितने मंथ का क्वार्टर होता है। हमारे पास क्वार्टर बनेगा 3 months का, एक ईयर में 12 months होते हैं, तो 3 years का एक क्वार्टर बनेगा, 3 + 3 + 3, यानी कि 3 quarters बनेंगे हमारे, 3 quarters। टाइम हमारा कितना आएगा, 3 quarters। अमाउंट P इंटू 1 + R/100 और इसकी पावर कितना है, T। P 16,000 इंटू 1 + 5/100 उसकी पावर कितना आएगा, 3, बिकॉज हमारा टाइम है 3 quarters। अब इसको हम कैलकुलेट करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, 5 से 100 जो है कट हो जाएगा, 5 2 10, 5 0 0, 20 पे कट हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं हम, इससे मल्टीप्लाई और ये ऊपर वाला ऐड, 21 + 20 + 21 21/20, 16,000 इंटू 21/20 की पावर 3, ऐसे ही आ जाएगा। अब पावर 3 का मतलब क्या है, इसको आपने जो है 3 times मल्टीप्लाई करना है 21/20 को। 16,000 इंटू 21/20 × 21/20 × 21/20। अब कैलकुलेट करने के लिए 0 से 0 कट हो जाएगी, 0 से 0 कट हो जाएगी और इस 0 से ये 0 कट हो जाएगी। 2 8 = 16, 8 आ गया, अगले 2 से 2 4 = 8 और 2 2 = 4। अब इनकी आपको जो एक मल्टीप्लाई करनी है सबकी, 21 की 21 से करेंगे 4 4 1, फिर 21 से करेंगे 9 2 6 1 और उसके बाद 2 से करेंगे 18,422। ये हमारा क्या आया, अमाउंट जिसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड है। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करना है, सो अमाउंट से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 18,422 माइनस 16,000 इसके इक्वल है अभी 2,422। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 2,422। थैंक यू।